माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। टुडे वी शैल स्टडी द लेसन द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। बीमार ग्रह ग्रीन मूवमेंट की भूमिका, हरियाली आंदोलन की भूमिका। द लेसन इज इन द बुक हार्नबिल आप क्लास 11th कक्षा 11 की बुक जो हार्नबिल है उसमें का पांचवा लेसन है जो हम लोग अध्ययन करेंगे इसको। द लेसन हैज बीन रिटन बाई नानी पालकी वाला। लेसन नानी पालकी वाला ने लिखा है। इट इज़ एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द पेपर द इंडियन एक्सप्रेस। ये एक लेख है, आर्टिकल है उनके द्वारा लिखा हुआ, जो कि 24 नवंबर 1994 को इंडियन एक्सप्रेस में, द इंडियन एक्सप्रेस पेपर में छपा था। इन द लेसन लेसन में द राइटर हैज़ रेस्ट कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट। लेसन में या लेख में लेखक ने चिंता जताई है अपने वायुमंडल के बारे में, अपने वातावरण के बारे में, क्योंकि वातावरण प्रदूषित हो रहा है और इसलिए जो है उसने बहुत से सुझाव दिए हैं कैसे हम रक्षा कर सकते हैं अपनी पृथ्वी की, अपने वातावरण की जो है। आवर प्लैनेट इज नो लॉन्गर ए प्लीजेंट प्लेस टू लिव इन। आवर प्लैनेट अर्थ, हमारी जो प्लैनेट है, ग्रह है पृथ्वी, कुछ समय बाद जीवित रहने लायक या जीव या इसमें रहने लायक नहीं होगा। फिशरीज फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड क्रॉप लैंड्स नीड टू बी प्रिजर्वेड। उसने सुझाव दिया है कि हमें मछलियों का, जंगलों का, घास के मैदानों का, फसल की भूमि का जो है संरक्षण करना आवश्यक है। यदि ऐसा ना किया गया तो हम लोग जो है, हम लोग जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी, पृथ्वी की हर प्राणी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। द आर्टिकल सजेस्ट दैट वी शुड ट्राई टू लिमिट द राइज ऑफ पॉपुलेशन। लेखक ने विशेषकर जोर दिया है कि हमें पॉपुलेशन को रोकना है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना है, यदि हमें जो है अपनी पृथ्वी को सुरक्षित करना है, वायुमंडल को सुरक्षित करना है, वातावरण को सुरक्षित करना है। एंड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड 1972 इज द ओनली होप फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट एज वेल एज दैट ऑफ द ह्यूमन रेस। और जो हरियाली आंदोलन 1972 में प्रारंभ किया गया था, ये एक आशा की किरण लेकर के आया है जिससे कि हम अपनी इस पृथ्वी को जीवित जिंदा रख पाएंगे और पूरी मानव जात को, हर प्राणी को जीवित रखने में समर्थ होंगे। तो देखते हैं हम, नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेस्ट, इन्फर दियर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट। कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिनकी मीनिंग इसमें बुक में आएगी, लेसन में आएगी। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं ये। अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, एक सार्वभौमिक और इकोलॉजिकल विचार, पर्यावरणीय विचार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इसका अर्थ होता है सतत विकास, चिरस्थायी विकास, ऐसा विकास जो हमेशा के लिए बना रहे। लैंग्वेज मन नष्ट होना, कमी होना। इग्नोमिनस डार्कनेस होता है अपमानपूर्ण अंधकार में। इंटर एलिया माने अन्य विषय संबंधित। डेसीमेटेड माने विनाश होता है, डेसीमेट मन विनाश होना, जिसने विनाश किया हुआ। कैटेस्ट्रॉपिक डिप्लीशन में विपक्तपूर्ण कमी होती है, कैटेस्ट्रॉपिक डिप्लीशन में विपक्तपूर्ण कमी। ट्रांसेंडिंग कंसर्न माने बढ़ती हुई चिंता, ट्रांसेंड माने बढ़ना, विकास करना, बढ़ना, ट्रांसेंडिंग बढ़ती हुई चिंता। तो हम देखते हैं लेसन को अब। द फॉलोइंग आर्टिकल वार रिटन बाई नानी पालकी वाला एंड पब्लिश इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। ये लेख है, इट इज नॉट ए बुक, ठीक नहीं, फ्रॉम ए बुक, इट इज ए आर्टिकल, एक लेख है जिसको लिखा था और ये लेख छपा था
नानकी पालकी वाला ने लिखा था और ये पब्लिश हुआ था द इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को। द इश्यू दैट द रेस्ट ही रेस्ट रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस। और जो उसमें उन्होंने एक जो मैटर उठाया है कि हमारी पृथ्वी की जो स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है और इसलिए उसको संरक्षण करना जो है बहुत औचित्यपूर्ण है। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री व्हिच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस सो कंप्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट व्हिच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो। वन कैन नॉट रिकॉल, देखिए वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के इतिहास में किसी को भी एक ऐसे आंदोलन को याद नहीं होगा विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस, जिसने इतनी जल्दी जो है संपूर्ण मानव जात की कल्पना को जकड़ लिया था, सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली इतनी तेजी से और इतने पूर्ण रूप से जकड़ लिया था मानव जात की कल्पना को, अर्थात मानव जात सोचने लगा था एज द ग्रीन मूवमेंट, जैसा कि हरियाली आंदोलन था विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जो लगभग 25 साल पहले प्रारंभ हुआ था। अर्थात हरियाली आंदोलन जो लगभग 25 साल पहले 1994 से 25 साल पहले प्रारंभ हुआ था, इतनी जल्दी से ये हर जन जन की कल्पना में बस गया है, कल्पना पूरे मानव जात की कल्पना में बस गया था कि दूसरा आंदोलन हम लोगों को याद नहीं है। इन 1972 में द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, 1972 में जो है पहला राष्ट्रव्यापी हरियाली पार्टी की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई थी। अर्थात न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री वेयर द नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड, न्यूजीलैंड पहला देश था जहां 1972 में हरियाली पार्टी की स्थापना किया था, राष्ट्रव्यापी हरियाली पार्टी की स्थापना किया था। अर्थात न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने ये श्री गणेश किया था हरियाली पार्टी को स्थापित करके अपने वायुमंडल की, अपने वातावरण की रक्षा करने के लिए। सिंस देन मैंने तब से द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, तब से इस आंदोलन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अर्थात जो श्री गणेश 1972 में हुआ था न्यूजीलैंड में जो है ये हमेशा बढ़ता जा रहा है, हरियाली आंदोलन हमेशा बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर कोई चिंतित होता जा रहा है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरेवोकेबली फ्राम द मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स, हमने बदला है एक आशा को, बदला है एक आशा में चेंजिंग किया है जो कि अपरिवर्तनीय था, फ्राम द मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। मतलब तब से जो है हमने यांत्रिक दृष्टिकोण को होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू में, सार्वभौमिक और पर्यावरण विचार में जो है दुनिया के जो मैकेनिस्टिक व्यू था अर्थात यांत्रिक विचार था उसको हम सार्वभौमिक और पर्यावरण विचार में बदलने में समर्थ हुए हैं। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, अर्थात मानव का दृष्टिकोण बिचरा है, मानव का दृष्टिकोण बदल गया है, बदल में सफलता पाई है। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, माने मानव के दृष्टिकोण बदलने में सफल हुए हैं एज रिवोल्यूशनरी माने क्रांतिकारी ढंग से, एज एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस, क्रांतिकारी ढंग से जो है हमने मानव के दृष्टिकोण बदलने में सफलता पाई है। दैट इंट्रोड्यूस्ड कॉपरनिकस, जैसा कि कॉपरनिकस ने जो सफल हुआ था हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, जिसने 16वीं शताब्दी में मानव जात को बताया था दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन, जिसने 16वीं शताब्दी में पूरी मानव जात बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि उससे पहले ये माना जाता था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन जब कॉपरनिकस ने जो है ये खोज किया और बताया दुनिया को जो है कि
सोलह शताब्दी में बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं वे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो एक क्रांतिकारी विचार था, उसी प्रकार का विचार था जिस प्रकार से विचार ये पैदा हुआ है कि ग्रीन प्लैनेट की रक्षा की जानी चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, प्रथम बार मानव इतिहास में देयर इज ए ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्सियसनेस, माने बढ़ती जा रही है विश्वव्यापी चेतना, बढ़ती जा रही है पहली बार इतिहास में जो है विश्वव्यापी चेतना बढ़ती जा रही है, दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि पृथ्वी स्वयं में एक जीवित प्राणी है, जीवित संगठन है, अर्थात पृथ्वी को जो है अब जीवित प्राणी मान करके जो है चला जा रहा है पूरी दुनिया के द्वारा। देयर इज ए ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्सियसनेस, चेतना फैली है वर्ल्ड विश्वव्यापी, ग्रोइंग बढ़ती जा रही है, क्या चेतना बढ़ती जा रही है, कॉन्शियस में चेतना जागरूकता बढ़ती जा रही है, कि क्या जागरूकता बढ़ती जा रही है कि दैट कि द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी स्वयं में एक जीवित प्राणी है, एन इनार्मस बीइंग ऑफ हिज आर वी आर पार्ट्स, और विशाल प्राणी ऑफ हिज वी आर पार्ट्स, मैंने जिसमें विशाल संख्या में प्राणी पाए जाते हैं और हम लोग जो है उसी का हिस्सा है, अर्थात विशाल संख्या में प्राणी रहते हैं इस पृथ्वी पर जो है, विशाल प्राणी है और हम लोग इस पृथ्वी के हिस्सा हैं, पार्ट्स हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, पृथ्वी की अपनी स्वयं मेटाबॉलिक आवश्यकताएँ हैं, शारीरिक पोषण की आवश्यकताएँ हैं, अर्थात पृथ्वी को भी जो है हमारे जिस प्रकार हमको पोषण की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमारी पृथ्वी को भी जो पोषण की आवश्यकता होती है, एंड वाइटल प्रोसेसेस और जिन जीवन की प्रक्रियाएँ होती हैं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्वेड, जिनका न केवल सम्मान किया जाना चाहिए बल्कि उसकी संरक्षण की आवश्यकता है, अर्थात हमारी पृथ्वी की भी जो है जिस प्रकार से हमको जो है मेटाबॉलिक नीड्स होती है, हमारी जीवित हमारी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं उसी प्रकार से पृथ्वी की भी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, पोषण की आवश्यकताएं होती हैं इस जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं में जो है विच नीड टू बी प्रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्वेड, और उन मेटाबॉलिक नीड्स को जो है हमें न केवल सम्मान करना है बल्कि पृथ्वी की आवश्यकताओं को किस आवश्यकता में आने वाली चीज़ों को संरक्षित करना है, प्रिजर्व करना है। द अर्थ वाइटल साइंस reveals a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy in human in future generation. The earth vital science, पृथ्वी का जीवन संकेत देता है, दिखाता है। The earth vital science, वाइटल जीवन पृथ्वी का जीवन दिखाता है। रिवील ए पेशेंट, कि एक पेशेंट होती जा रही है पृथ्वी का जीवन देखने से लगता है कि पृथ्वी पेशेंट बनती जा रही, बीमार बनती जा रही है, इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और इसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है पृथ्वी का, हमारी जो पृथ्वी का जो जीवन हो दिखाता है कि पृथ्वी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और बीमार होती जा रही है। रिवील ए पेशेंट, पेशेंट में मरीज इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, माने स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और पेशेंट होती जा रही है, इसको देखने से लगता है। वी हैव बिगन टू रियलाइज, हमने एहसास करना शुरू कर दिया है। वी हैव बिगन टू रियलाइज, माने मानव जात ने एहसास करना शुरू कर दिया है आवर इथिकल ऑब्लिगेशंस, कि हमारी नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं। क्या नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं? टू बी गुड स्टेवर्ड, कि हम अच्छे प्रबंधक बने, स्टेवर्ड माने मैनेजमेंट करने वाले, पृथ्वी सुरक्षा करने वाले बने, प्रबंधक बने किसकी? पृथ्वी की। आदि प्लैनेट माने इस ग्रह की। वी हैव बिगन टू रियलाइज, लेखक यहाँ पर आशा व्यक्त करता है, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेकर के आशावादी विचार व्यक्त करता है कि वी हैव बिगन टू रियलाइज, हमने एहसास करना शुरू कर दिया है आवर इथिकल ऑब्लिगेशंस, अपनी नैतिक जिम्मेदारी की, नैतिक बाध्यताओं को एहसास करना शुरू कर दिया है कि वी आर ऑब्लिगेट, वी हैव ऑब्लिगेशंस टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ स्टेवर्ड ऑफ द प्लैनेट, हमें पृथ्वी के प्रबंधन की बाध्यता की जिम्मेदारी का एहसास होने लगा है, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लिगेसी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, और हम ये भी एहसास करने लगे हैं कि हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदारी पूर्ण जो है ट्रस्टीज हैं, संरक्षक हैं ऑफ द लिगेसी, इस पृथ्वी रूपी विरासत को जो है फ्यूचर जनरेशन को सौंपने के लिए जो है हम ट्रस्टी के रूप में हमें काम करना होगा,
अर्थात इसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी, पृथ्वी सुरक्षित रखना जिम्मेदारी किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन माने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। फिर से देख लेंगे, द अर्थ वाइटल साइंस रिवील पेशेंट इन डिक्लाइनिंग अर्थ डिक्लाइनिंग हेल्थ, पृथ्वी का जीवन देखने से प्रतीत होता है कि एक पेशेंट होती जा रही है और इसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज, हमने एहसास करना शुरू कर दिया है आवर इथिकल ऑब्लिगेशंस, अपनी नैतिक कर्तव्य या नैतिक बाध्यताओं को एहसास करना शुरू कर दिया है। टू बी गुड स्टेवर्ड, कि हमें जो है एक अच्छा प्रबंधक बनना है, आप द प्लैनेट में इस पृथ्वी रूपी ग्रह का अच्छा प्रबंधक बनना है, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बनना है, और जिम्मेदार जो है ट्रस्टीज के रूप में कार्य करना है। कैसे ट्रस्टीज के रूप में, कि हमें इस पृथ्वी रूपी विरासत को अगली आने वाली पीढ़ियों को जो है सुरक्षित रूप से प्रदान करना है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1897 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने चिरस्थाई विकास की धारणा, कंसेप्ट धारणा सस्टेनेबल डेवलपमेंट चिरस्थाई विकास की, परमानेंट एंड कांस्टेंट कॉन्सेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने चिरस्थाई विकास की धारणा जो है वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 में और 1987 में लोकप्रिय बनाई गई थी बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, विश्व पर्यावरण तथा विकास आयोग, वर्ल्ड कमीशन विकास आयोग, विश्व आयोग ऑन एनवायरमेंट पर्यावरण पर एंड डेवलपमेंट विकास पर, अर्थात विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा 1987 में परमानेंट एंड कांसेंट कंसेप्ट अबाउट दिस चिरस्थाई विकास की धारणा को 1987 में विश्व पर्यावरण विकास आयोग द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इन दिस इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में किसने रिपोर्ट दिया था, वर्ल्ड कमीशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट विश्व पर्यावरण विकास आयोग ने रिपोर्ट दिया था। इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में इट डिफाइंड द आइडिया, उसने इसके विचार को परिभाषित किया था, डिफाइंड परिभाषित करना विचार को, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, हमें ऐसा विकास करना है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट दियर नीड्स, बगैर कंप्रोमाइज किए हुए, बगैर समझौता किए हुए, किसका समझौता कर दे, फ्यूचर जनरेशन टू मीट दिन आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की क्षमता से समझौता किए हुए बगैर हमें वर्तमान में आवश्यकताओं को पूरा करना, वर्तमान में विकास करना है, अर्थात हमें ऐसा विकास करना है, वी शुड डू सच डेवलपमेंट दैट वी शुड नॉट कंप्रोमाइज अबाउट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस नीड, हमें ऐसा विकास करना है कि हम भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता प्रति कोई समझौता ना करें, आई विदाउट स्टिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात हमें प्राकृतिक दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों का विनाश नहीं करना है, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्स में संसाधन होता है, दुनिया के प्राकृतिक संसाधन विकास नहीं करना है, फ्यूचर जनरेशन उड नीड, जो आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता होगी, अर्थात हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकताओं में ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन, दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों का विनाश नहीं करना है। प्लीज अगेन, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा 1987 में जो है चिरस्थाई विकास की धारणा को लोकप्रिय बनाया गया था, उसमें इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में इस आयोग ने इस आइडिया को परिभाषित करते हुए लिखा था, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, ऐसा विकास हमें करना है जो भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने क्षमता को जोखिम में डाले बिना आज की
आवश्यकताओं को पूरा करना करता है, अर्थात विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, अर्थात प्राकृतिक विश्व को स्रोतों से वंचित किए बिना जिसकी भावी पीढ़ियों को आवश्यकता होगी, अर्थात जो भी भावी आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता होगी उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, अपनी आवश्यकताओं पूरा भी करना है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक ऐसा जो है ऐसी पृथ्वी या ऐसा प्लैनेट देना है। इन द जू चिड़ियाघर में एट लुसाका जाम्बिया, जाम्बिया कंट्री है, लुसाका शायद उसके उसका कैपिटल है, जाम्बिया देश के लुसाका शहर में शहर हो सकता शहर है, वहाँ चिड़ियाघर में दियर इज ए केज, एक पिंजड़ा रखा हुआ है, वेयर द नोटिस रीड्स, जिसमें एक नोटिस लगी हुई है, जिसमें एक नोटिस लिखी हुई लगी हुई है, नोटिस पढ़ सकते हैं हम लोग जो है, कोई पढ़ सकता है क्या लिखा हो उसमें नोटिस में सूचना में, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, पृथ्वी का वर्ल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, अर्थात पृथ्वी का सबसे खतरनाक प्राणी है, इनसाइड द केस पिंजड़े के अंदर, दियर इज नो एनिमल, वहाँ कोई पिंजड़े के अंदर कोई जानवर नहीं है, बट ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, बल्कि उसमें एक दर्पण लगा हुआ है जहाँ पर जो है तुम अपने देख सकती हो, अर्थात तुम देख कर एहसास करो, क्या लिखा हुआ उसमें एहसास क्या करना है कि तुम सबसे खतरनाक प्राणी दुनिया पृथ्वी पर हो, अर्थात मनुष्य जो है दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी होता है। ये पिंजड़ा फिर से देखिए, इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, जाम्बिया देश में लुसाका शहर के चिड़ियाघर में एक पिंजड़ा लगा हुआ है जहाँ पर एक नोटिस लगी हुई है, नोटिस में क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी इसमें है, इस पिंजड़े में है, और पिंजड़े में क्या रखा हुआ है, केवल एक यहाँ पर कोई जानवर उसमें नहीं रखा है, बल्कि एक दर्पण लगा हुआ है जहाँ तुम अपना चेहरा देख सकते हो, अपने देख सकते हो, और बताता है चेहरा कि आप अर्थात मनुष्य जो है दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है, अर्थात मनुष्य सबसे खतरनाक, क्योंकि सभी को नष्ट कर रहा है, सभी अन्य प्राणियों को नष्ट कर रहा है, पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। लेखक कहता है, भिन्न भिन्न देशों के एजेंसियों के असंख्य संख्या में प्रयासों को धन्यवाद, अर्थात जो है ये कृतज्ञता व्यक्त करता है दुनिया की विभिन्न प्रकार की एजेंसियों को, बहुत सी एजेंसियाँ हैं, उनके प्रयास को धन्यवाद। ए न्यू अवेयरनेस है नाउ डांड, क्योंकि इन एजेंसियों ने, दुनिया की विभिन्न एजेंसियों ने जो है एक नई जागरूकता पैदा किया है, ए न्यू अवेयरनेस माने जागरूकता हैज नाउ डांड माने उदय हुआ है, एक नई जागरूकता का उदय, डांड सवेरा होना, उदय होना, ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डांड, एक नई जागरूकता का उदय हुआ है दुनिया में, अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणियों में, सबसे खतरनाक प्राणियों में एक नई जागरूकता को ला दिया, किसने, दुनिया की विभिन्न एजेंसियों ने जो है मनुष्य रूपी सबसे खतरनाक प्राणी में जो है एक नई जागरूकता का उदय किया है अपने प्रयासों से, अर्थात देयर आर मेनी, देयर आर नंबर ऑफ एजेंसीज इन द वर्ल्ड व्हिच क्रिएटेड ए अवेयरनेस इन द मैन माइंड्स, मनुष्य के मस्तिष्क में एक नई चेतना पैदा किया है, जो कि मैन इज द डेंजरस एनिमल, दो मैन इज द डेंजरस एनिमल, बट द एफर्ट्स ऑफ द नंबर्स ऑफ एजेंसी इन द डिफरेंट कंट्रीज इट रेज्ड द अवेयरनेस इन द माइंड्स माइंड, दुनिया के एजेंसियों ने जो है मनुष्य के माइंड में जो एक नई जागरूकता पैदा किया है, वो मनुष्य बहुत खतरनाक प्राणी भी है, ही है रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, वो एहसास उसने एहसास किया है, मानव जात ने अर्थात सभी मनुष्यों ने एहसास किया है, ही है रियलाइज्ड, उसने एहसास किया है द विजडम, इस बुद्धि को अपना करके अपना एहसास किया है, ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, प्रभुत्व जमाने वाली जो उसकी जो धारणा थी, हर प्राणी पर प्रभुत्व जमाने की धारणा जो थी, टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप माने वो भागीदारी की धारणा में बदल गई है, अर्थात मनुष्य जो है हर प्राणी में प्रभुत्व जमाता रहा है, उसको कंट्रोल करता रहा है, लेकिन अब एक ऐसी एहसास हुआ है जो है उसकी बुद्धिमत्ता के एहसास हुआ है कि अब मनुष्य जो है अन्य प्राणियों के साथ भागीदारी के साथ जो है रहना पसंद करने लगा है,
ही है रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग अपॉन सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, क्योंकि अभी तक जो है प्रभु जमाने वाली धारणा के साथ अन्य प्राणियों पर शासन करता था, लेकिन अब उसने एहसास किया है कि हमें अन्य प्राणियों के साथ जो है भागीदारी के साथ इस पृथ्वी प्लानिट पर जो है रहना है, जिंदगी बिताना है। साइंटिस्ट है कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, वैज्ञानिकों ने सूचीबद्ध किया है, सूची बनाई है, कैटलॉग में सूची बनाई है। साइंटिस्ट है कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, 1.4 मिलियन जीवित प्राणियों की सूची बनाई है। अर्थात 1.4 मिलियन अर्थात 14 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, तो 1.4 मिलियन इक्वल टू 14 लाख हो जाएगा। अर्थात साइंस वैज्ञानिकों ने 14 लाख जीवित लिविंग स्पीसीज में जीवित प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है, उनकी सूची बनाई है। विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, जिनके साथ जो है हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थात उन 14 लाख जीवित प्राणियों को सूचीबद्ध किया है जिनके साथ मनुष्य जो है पृथ्वी पर रहता है। मैन विच विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिसके साथ मनुष्य जो है पृथ्वी का शेयर करता है, पृथ्वी के साथ पृथ्वी पर रहता है, इन 14 लाख जीवित प्राणियों के साथ जो है उनको सूची बनाया है। इस्टीमेट्स माने अनुमान, वैरी माने भिन्न भिन्न होता है, अंतर होना, वैरी माने अंतर होना, वैरी नहीं है वैरी है, ध्यान रखेंगे कौन से, वैरी अलग है, वैरी माने वैरी बहुत, वैरी माने अंतर होना। इस्टीमेट्स वैरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, और जो सूची विहीन जीवित प्रजातियाँ हैं उनके बारे में जो है जो अनुमान लगाया गया वो भिन्न भिन्न है। प्राणियों जो लोगों द्वारा अनुमान लगाया गया, एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, माने जो सूची विहीन जीवित प्रजातियां अर्थात जिनकी सूची नहीं बनाई गई है उनके बारे में जो अनुमान लगाया गया है मनुष्य द्वारा, वो उनमें बहुत बड़ा अंतर है, सबके अनुमान में अंतर है, फिर भी बायोलॉजिस्ट रेकान जीव विज्ञानी मानते हैं, रेकान माने मानते हैं या गणना करते हैं, बायोलॉजिस्ट में जीव विज्ञानी रेकान में मानना गणना करना, दैट की अबाउट 300 to 100 million अदर लिविंग स्पेसीज स्टिल लैंग्विज अननेम्ड इन इग्नोमिनस डार्कनेस। जीव विज्ञानिकों ने जैसा अनुमान लगाया है कि लगभग 3 to 100 million अर्थात 3 मिलियन में 30 लाख हो जाएंगे, 30 लाख से अरबों मिलियन प्राणी जो हैं अदर लिविंग स्पीसीज माने अन्य जो जीवित प्राणी हैं जीवित प्रजातियां हैं स्टिल लैंग्विज माने वे दैनीय दशा में पहुँच गई हैं, लैंग्विज में दैनीय दशा होना उनका नष्ट होना, अननेम्ड इन इग्नोमिनस डार्कनेस माने अंधकार अपमानपूर्ण अंधकार में जिंदा हैं और वे लुप्त प्राय होती जा रही हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो है लोगों ने अनुमान लगाया है, अनुमान में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ये अनुमान जो है उन जीवित प्राणियों के बारे में है, जीवित प्रजातियों के बारे में है जिनकी सूची नहीं बनाई जा चुकी है, अभी तक बनाई जा सकी है, लेकिन फिर भी जो है जीव विज्ञानी अनुमान लगाते हैं, उनका गणना है कि लगभग 30 लाख से लेकर के अरबों ऐसी जीवित प्रजातियां हैं जो समाप्त होती जा रही हैं, जो दैनीय दशम पहुँच के लैंग्वेज में पहुँच गई हैं, कंडीशन उनकी बहुत दयनीय हो गई है अर्थात समाप्त हो जा रही हैं, अन्यमन लुप्त होती जा रही हैं, अपमानपूर्ण ढंग से अंधकार में जंधकारपूर्ण अंधकारपूर्ण जीवन में लुप्त होती जा रही हैं और उनकी दशा दयनीय होती जा रही है। अर्थात लेकिन कहना चाहता है कि 30 लाख से लगभग अरबों जीवित प्रजातियाँ ऐसी हैं जो समाप्त होने की कगार पर हैं या समाप्त हो चुकी हैं। वन ऑफ द वेरी अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ट इंटर एलिया, एक अभी जो है अर्ली माने जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन बनाया गया था जो अन्य मामलों संबंधित था, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जिसका संबंध इकोलॉजी और पर्यावरण से था, वाज द ब्रेंडिट कमीशन, उसका नाम था ब्रेंड कमीशन था, विच हैड डिस्टिंग्यूश्ड इंडियन हैज वन ऑफ दी इट्स मेंबर। इस आयोग में, आयोग का नाम था जो है इंटरनेशनल कमीशन था, इस आयोग में जो विच हैड डिस्टिंग्यूश्ड इंडियन हैज वन ऑफ द मेंबर, जिसमें एक प्रसिद्ध भारतीय मेंबर है,
विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जिसमें एक प्रसिद्ध भारतीय भी एक मेंबर थे। क्या कौन मेंबर थे, क्या नाम था उनका? मिस्टर एल के झा। मिस्टर एल के झा भी जो भारतीय थे इस कमीशन में मेंबर थे, इस ब्रेंट कमीशन में। ब्रेंट कमीशन में मिस्टर एल के झा द फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट, और इस फर्स्ट इस कमीशन ने जो है पहली रिपोर्ट जो जारी किया था, इस द फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट ने अर्थात पहली ब्रेंट रिपोर्ट में रेज द क्वेश्चन, मैंने प्रश्न उठाया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, ये स्कॉर्चेड प्लैनेट। इस कमीशन की जो पहली रिपोर्ट थी उसमें जो है ये प्रश्न उठाया था इसने, इस आयोग ने, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ने जा रहे हैं ए स्कॉर्चेड, स्कॉर्चेड प्लैनेट, एक झुलसा हुआ जलता हुआ ग्रह छोड़ने जा रहे हैं आप एडवांस्टिक डेजर्ट जो रेगिस्तान की ओर बढ़ता जा रहा है। इम्पॉवरिस्ट लैंडस्केप, एक निम्न कोटि का घटिया निम्न कोटि का भूक्षेत्र छोड़ते जा रहे हैं, एंड एलिंग इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट और बीमार वातावरण देने जा रहे हैं। अर्थात हम आगे आने वाले पिछले जो है क्वेश्चन प्रश्न उठाया था कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों क्या देने जा रहे हैं, भविष्य में जो हमारी संतानें होंगी जो हमारे उत्तराधिकारी होंगे उनको हम क्या देने जा रहे हैं। आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, क्या हम उत्तराधिकारियों को सौंपने जा रहे हैं, क्या स्वप्न में जा रहे हैं। आ स्कॉर्चेड प्लैनेट, एक झुलसा हुआ जलता हुआ ग्रह सौंपने जा रहे हैं, जो कि आप एडवांस्टिक डेजर्ट्स माने पृथ्वी जो है एक ग्रह है जो झुलसती जा रही जलती जा रही है और जो एडवांस्ड कर रही है डेजर्ट बनने की ओर, रेगिस्तान बनती जा रही है। इम्पॉवरिस्ट लैंडस्केप, और इसके भूक्षेत्र जो है निम्न कोटि के बनते जा रहे हैं, एंड एलिंग इन्वायरमेंट माने क्या हम पे आने वाली पीढ़ी को जो है एक बीमार वायुमंडल देने जा रहे हैं, बीमार जो पर्यावरण देने जा रहे हैं। मिस्टर लिस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, मिस्टर लिस्टर भी जो आर ब्राउन है, मिस्टर लिस्टर आर ब्राउन पूरा नाम है, अपने विचारपूर्ण पुस्तक में उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम इनका, मिस्टर लिस्लर लिस्टर आर ब्राउन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ए थॉटफुल बुक लिखा है, बुक का नाम क्या है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसका नाम द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है। पॉइंट्स आउट, इसमें उन्होंने संकेत दिया है इस पुस्तक ने, पुस्तक का नाम द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नाम है पुस्तक का, और लिखा मिस्टर लिस्लर आर ब्राउन ने अपने बीच, बहुत अच्छी पुस्तक, बहुत थॉटफुल बुक है, उसमें उन्होंने संकेत दिया बताया है दैट की अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, हमारी पृथ्वी के जो प्रधान मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम है चार है, हमारी पृथ्वी के जो मुख्य प्रिंसिपल सिद्धांत हैं बायोलॉजिकल सिस्टम चार हैं, प्रधान सिद्धांत चार हैं, फोर हैं, कौन कौन हैं, फिशरीज है, मछली पालन है, फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वन हैं, ग्रासलैंड घास के मैदान हैं, एंड क्रॉपलैंड्स माने फसल की भूमि है, फसल जिसमें फसल हो जाती है ऐसी भूमि है। अर्थात चार चीज़ें हैं जो जो पृथ्वी के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और यही चार चीज़ें जो है वह विश्व अर्थव्यवस्था प्रणाली का नींव बनाती हैं, नींव डालती हैं। अर्थात ये हमारी पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम के नींव हैं, अर्थात ये नष्ट हो जाएंगी तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है पिछले के इन हिज बुक द नेम ऑफ द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, द राइटर ऑफ द दिस बुक इज मिस्टर लिस्लर आर ब्राउन, एंड दिस इज द थॉटफुल बुक, इन दिस बुक द राइटर पॉइंट्स आउट देयर आर फोर सिस्टम्स ऑफ अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल, एंड दीज आर फिशरीज मछली पालन, वन घास के मैदान और फसल की भूमि, ये चार जो है सिद्धांत हैं, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, वो पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था प्रणाली की नींव बनाते हैं, नींव डालते हैं। अर्थात की अर्थव्यवस्था चार नींव हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, ये केवल हमें भोजन ही प्रदान नहीं करते हैं, दीज फोर सिस्टम फिशरीज फॉरेस्ट ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड, दीज फोर थिंग्स नॉट ऑनली सप्लाई अस फूड, ये केवल हमें फूड ही नहीं देते हैं,
इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, ये फूड देने के बाद अलावा दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स। देखिए मैं रुकना पड़ेगा, इन एडिशन टिक लगा लेंगे क्योंकि मतलब 34 मिनट का हो गया है, हमें रुकना पड़ेगा जो है, और हम आगे जो है फिर जो है दूसरे पार्ट पढ़ेंगे। बड़ा लेसन है फिलहाल, इसको बहुत अच्छा लेसन है हमारे समाज के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए हमको इसे तैयार करना है। ठीक, हम इसको सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे कि धन्यवाद।